everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss the another essay of Francis Bacon of ambition. Ambition makes men full of activity and diligence if it is not checked. Which means ki यहाँ पे first point में ये बताया जा रहा है कि कोई भी पर्सन, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल जो भी रहते हैं, उनका एक लाइफ में एम्बिशन होना चाहिए, एक एम होना चाहिए. और वो जो एम्बिशन है, उसके लिए वो लोग नई नई चीज़ें सीखते हैं अपने वर्क में, अपने एम को पाने के लिए पूरी जान लगा देते हैं, नए नए एक्टिविटीज सीखते हैं ताकि वो अपने में इम्प्रूव हो सके और अपने एम, अपने एम्बिशन तक पहुँच सके. तो ये सारी चीजें होती है एक एम्बिशियस मैन में. बट इफ इट इज नॉट चेक्ड, विच मीन्स कि ये तब तक ही होता है जब तक कोई इंसान के अंदर उस एम्बिशन को लेके, उस अपॉर्चुनिटी को लेके एक ईगो वाली चीज नहीं आती है. वंस इफ अ पर्सन फील्स एम्बिशियस टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन अ एगोइस्टिक वे, इट बिकम प्रॉब्लम टू हिम और हरसेल्फ एंड द अदर्स. एक बार अगर किसी इंसान के अंदर एम्बिशंस के जगह वो एटीट्यूड या ईगो वाली चीज आ जाती है, तो वो अगले इंसान को भी प्रॉब्लम कर सकता है और वो अपने लिए भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करा कर सकता है. बट एट द टाइम इट इज चेक्ड, इट मेक्स मैन एनवियस एंड मेलिग्नेंट. जैसा मैंने बताया, इफ एम्बिशियस पर्सन कंटिन्यू टू गेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रोग्रेस, दे मे बी little troublesome but they are not dangerous. So जो भी ambitious person होते हैं, अगर उनके life में, उनके work profile में, जो भी उनका particular work profile हो, उसमें अगर progress आते रहती है, उसको opportunities मिलते रहते हैं, तब तक वो थोड़ा बहुत trouble करता है, तब तक वो बहुत dangerous नहीं होता है. But once they are checked and cannot fulfill their desires, they become inwardly dissatisfied and being to envy others and are happy when others fail. और जैसा ही उस इंसान के सामने opportunities थोड़ी कम होने लगती है या अपने वो desire को, अपने dreams को fulfill नहीं कर पाता है किसी भी purpose से, तो उसके अंदर dissatisfaction आने लगता है और वो आसपास के लोगों को अपना दुश्मन मानने लगता है. और जब अगला इंसान अपने वर्क में फेल हो जाता है, तो उसे बहुत खुशी मिलती है. हमारे लाइफ में भी, हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं एम्बिशियस के नाम पे उनके अंदर बहुत सारा ईगो भरा हुआ होता है. जब वो उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो वो दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं. और जब वो दूसरे प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं या किसी अपने वर्क को लेके, किसी अपने परफॉर्मेंस को लेके फेल हो जाते हैं, तो उस पर्सन को, एम्बिशियस पर्सन को बहुत ही खुशी मिलती है. ऑर्डिनरी एम्बिशियस पर्सन इज टू बी अवॉइडेड बट दे कैन बी एम्प्लॉयड व्हेन इट इज नेसेसरी टू डू सो. जनरली हमारे वर्क प्रोफाइल में या हमारे पर्सनल लाइफ में हम ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप बहुत कम ही करते हैं जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, एम्बिशियस होते हैं. यहाँ एम्बिशियस का कुछ कुछ जगह नेगेटिव पॉइंट्स भी है, मतलब ईगोइस्टिक होना, रूड होना, सेल्फिश होना. तो जनरली हमारे वर्क प्रोफाइल में या हमारे पर्सनल लाइफ में हम इन सारे लोगों से दूर ही रहना पसंद करते हैं. लेकिन हाँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं, कुछ फेज ऐसे आते हैं लाइफ में, आइदर पर्सनल और प्रोफेशनल, कि इस तरह के कुछ एक दो लोग होते हैं जिन्हें हमें अपॉइंट करना पड़ता है अपने वर्क प्रोफाइल में या हमारे पर्सनल स्पेस में भी. अकॉर्डिंग टू बेकन, देयर आर 3 कंडीशंस विच मेक इट नेसेसरी फॉर द किंग्स टू एम्प्लॉय एम्बिशियस पर्सन. फर्स्ट वन इज इन वॉर टाइम्स. मीन्स कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट्स बेकन ने मेंशन किया है कि जब वो एम्बिशियस पर्सन, जो रूट पर्सन होते हैं ना, उनको एम्प्लॉय किया जा सकता है. कब कब? इन वॉर टाइम्स, मतलब जब वॉर की संभावना होने लगती है, तो कुछ ऐसे रूट और रिजिड इंसान को, पर्सन को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो बिना किसी चीज को देखते हुए अपने कंट्री के लिए या अपने किंगडम के लिए एक सेल्फिश, एक स्ट्रिक्ट डिसीजन ले सके.
एम्बिशियस पर्सन कैन बी यूज्ड एज अ स्केपगोट, विच मीन्स कि जब राजा के ऊपर कोई प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है तो कोई एक ऐसा भरोसेमंद इंसान होता है जो सारे ब्लेम्स को, सारे प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर ले लेता है। बहुत वफादार लोग जो होते हैं, किंग्स लोग के टाइम में होते थे, अभी भी बहुत लोग होते हैं किसी न किसी फैमिली में या किसी भी वर्क प्रोफाइल में, अगर प्रॉब्लम्स आने लगती है, बहुत सारे ब्लेम्स लगने लगते हैं, बहुत सारा निगेटिव चीज होने लगता है उन कंपनीज को लेके, तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जो सारी चीजों को अपने ऊपर ले लेता है और अपने जो किंग होते हैं, अपने जो सीनियर होते हैं, उनको बचा लेता है। अ किंग कैन मेक यूज ऑफ एन एम्बिशियस पर्सन इन पुलिंग डाउन अदर्स। थर्ड पॉइंट से बेकिन ये कहना चाहते हैं कि किंग अपने किंगडम में कुछ कुछ ऐसे एम्बिशियस पर्सन को रखते हैं जो कि जरूरत पड़ने पे लोगों को खींच के नीचे गिरा सकते हैं। विच मीन्स कि पहले के समय में भी दो किंगडम हुआ करते थे, दो से ज्यादा हुआ करते थे, तो किसी अगर दो पर्टिकुलर किंगडम में आसपास लड़ाई चल रही है तो एक किंगडम जो कि स्ट्रांग है वो अपने एम्बिशियस पर्सन को, अपने पर्टिकुलर जो पर्सन वहां के होते थे, उनको अपॉर्चुनिटीज देती है कि आप जाके अनदर किंगडम के जो भी बहुत इस तरह के स्ट्रांग पर्सन्स हैं उन सबको पुल डाउन कर दीजिए, मतलब सबको इतना डोमिनेट कर दीजिए कि उनके ऊपर ही हमारा किंगडम रहे, विच मीन्स कि हमारा किंगडम सबसे स्ट्रांग रहे पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर रीजन में। There are many methods by which ambitious person can be kept in check and control. और बेकिंस के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिससे एम्बिशियस पर्सन, जो इगोइस्टिक रूट पर्सन होते हैं, उनको टाइम टाइम टू चेक किया जाता है और कंट्रोल में भी रखा जाता है। नहीं तो कल को अगर उनके एम्बिशंस इतने ज्यादा बढ़ गए कि वो किंग पे ही ना हमला बोल दे उस किंगडम को, उस थ्रोन को पाने के लिए, तो टाइम टाइम पे किंग को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि नंबर वन, अ पर्सन ऑफ लो बर्थ। यहाँ पे लो बर्थ इसलिए मेंशन किया गया है कि किंग जो होते हैं ना, वो मतलब लो कास्ट या लो कैटेगरीज के लोग जो होते हैं ना, उनको अपॉइंट करते हैं ताकि अगर वो थोड़ा भी किंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश करे, सुपीरियर बनने की कोशिश करे, तो कि इनको टाइम टाइम पे याद दिलाते रहे कि नहीं देखो, तुम तो बहुत छोटे जगह से बिलोंग करते हो, बहुत छोटे कास्ट से बिलोंग करते हो, तो मैंने तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी दी है, तो तुम इतना ज्यादा मेरे ऊपर ही सुपीरियरिटी नहीं दिखा सकते हो। सेकेंड वन इज अ किंग मस्ट कीप सम फेवरेटिज। किंग के ना कुछ पर्सनल फेवरेट्स होने चाहिए। हर अगर किसी एक किंग का चार पर्सनल फेवरेट है ना, तो हर किसी को इंडिविजुअली लगेगा कि मैं सबसे फेवरेट हूँ, लेकिन किंग का माइंड तो कुछ अलग ही तरह से रिएक्ट करता है। जैसे कि थर्ड पॉइंट में, द किंग शुड इंटरचेंज हिज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट्स एंड कीप एम्बिशियस मैन इन डाउट एंड अनसर्टेनिटी अबाउट देयर पोजिशन। विच मीन्स कि किंग टाइम टाइम पे अपने फेवरेट्स को बदलते रहते हैं, अपने फेवरेट्स को बदलते रहते हैं कि कभी एक टाइम में किसी और को रिवॉर्ड दिया और लगातार अगर तीन चार बार ही उसको रिवॉर्ड मिलता गया तो उसको तो लगने लगेगा कि अरे मैं तो किंग का बहुत फेवरेट हूँ, बट ऑन द सेकेंड हैंड नेक्स्ट टाइम में ही किंग सारा चीज ही पलट देते हैं, विच मीन्स किंग टर्न्स द टेबल, कि वो सारा चीज ही अलग कर देते हैं और किसी और को रिवॉर्ड देना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से किंग जो भी अपने फेवरेट्स होते हैं उन सबको डाउट्स में रख सकते हैं कि किंग पता नहीं कब किसको अपना फेवरेट ज्यादा बना लें। और इस तरह से क्या होता है ना, वो जो चार पर्सन रहते हैं ना, किसी में भी ईगो आने की संभावना नहीं रहती है, या रहती भी है तो बहुत कम रहती है, क्योंकि किंग कब चीजें पलट दे, कब अपने दूसरे दाव को खेल दे, ये किसी को नहीं पता होता है। According to Bacon, there are different kinds of ambitions. First one is ambitions to dominate in great matters. So, जो ambitious people होते हैं वो बड़े बड़े matters में अपने आप को involve करते हैं और अपने जो point of view है उस चीज को dominate भी करने की कोशिश करते हैं other लोगों पे। Second one, to look personally even in small matters and minor details. और किसी भी छोटे मोटे मैटर्स में भी, किसी भी माइनर डिटेल्स में भी
अपने आप को पर्सनली इन्वॉल्व करते ही हैं और अपने आप को चेक करते हैं कि मैं भी क्या इस मैटर में हूँ, इस डिटेल्स में मैं भी इन्वॉल्व हूँ क्या. अ पर्सन, थर्ड वन, हु हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स. और कुछ ऐसे एम्बिशियस पर्सन होते हैं ना जिनके फॉलोअर्स बहुत होते हैं. और ये कैसे होता है, ऐसा तो नहीं होता है ना कि कोई भी ऐसा जन्म लिया और अचानक से बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत पैसे वाला बन गया. तो उनका जो लाइफ रहा है, जो भी जर्नी रही है उनकी, स्ट्रगल पीरियड रहा है, उसके बाद जो उन्होंने जो मुकाम पाया है, तो इन सारी चीज़ों को जानने के बाद ना, उनके बायोग्राफी को जानने के बाद, बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं. फोर्थ वन, अ पर्सन हु हैज़ द एम्बिशन टू एक्सेल अमॉन्ग एबल मैन हैज अ डिफिकल्ट टास्क टू अकम्प्लिश. और बहुत सारे ऐसे एम्बिशियस पर्सन होते हैं ना जो कि बड़े बड़े लोगों के सामने बोलने में कुछ सोचते नहीं है, मतलब बहुत बड़े बड़े जो पर्सनैलिटी होते हैं उनको टक्कर दे सकते हैं. तो कुछ ऐसे एम्बिशियस पर्सन भी होते हैं. एंड द मोस्ट डेंजरस मैन इज वन हु वॉन्ट्स टू डोमिनेट कम्प्लीटली एंड रिड्यूस अदर्स टू इनसिग्निफिकेंस. और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही डेंजरस होते हैं, जो कि अलग लोगों को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना चाहते हैं, विच मीन्स कम्प्लीटली डोमिनेट करना चाहते हैं अदर पर्सन्स को और अपने उनके ऊपर अपना हुक्म चलाना चाहते हैं. देयर आर थ्री एडवांटेज ऑफ हाई ऑफिसेस. फर्स्ट वन, इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग गुड टू अदर्स. इस लाइन का ये मतलब है कि जो हाई रैंक्स पे ऑफिसर्स होते हैं या जो बहुत पावरफुल होते हैं, उनके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है कि वो दूसरे लोगों की मदद कर सकें. जो लोग खुद की मदद नहीं कर सकते हैं फाइनेंशियली या मेडिकली, जो भी जिस तरह की भी जो प्रॉब्लम्स होती है, जो लोग खुद नहीं कर पाते हैं पैसे की कमी से या फिर बहुत सारी चीज़ों की कमी से, तो उन लोगों को ऐसे लोग मदद कर सकें. सेकेंड, इट गिव्स एन एक्सेस टू द किंग एंड अदर इमिनेंट पर्सन. और जो हाई रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, जो बहुत पावरफुल होते हैं, उनको किंग से भी मिलने का मौका मिलता रहता है. थर्ड वन इज, इट इनेबल्स मैन टू इम्प्रूव देयर ओन फॉर्चून्स. और बहुत सारे पावर और पोजिशंस होने के बाद इन लोगों का खुद का जो फॉर्चून होता है, खुद का जो लिविंग स्टाइल होता है, वो लोग उसको भी इम्प्रूव करते हैं, अपने भी लाइफ को लग्जीरियस बनाते हैं. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर. थैंक यू एवरीवन. होप आप सबको ये इसमें पसंद आए.